नमस्कार। म्यूजिकल हेरिटेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं संगीत के बड़े नामों से, बहुत बड़े नामों से, लिविंग लेजेंड्स से। एक ऐसे ही लिविंग लेजेंड्स से आज आपकी मुलाकात कराएंगे जिनकी उंगलियां जब सितार पर चलती हैं तो दूर से लोग समझ जाते हैं कि पंडित देबू चौधरी बजा रहे हैं। पंडित जी, आज म्यूजिकल हेरिटेज के लिए उन्होंने वक्त निकाला है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उनको सुन पाएंगे, उनके विचारों को जान पाएंगे और उनके लंबे सफ़र के बारे में उनसे बात कर पाएंगे। पंडित जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो, हालांकि लंबा आपके अब 6 दशक 7 दशक से आप बजा रहे हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा आपको आपके बचपन की तरफ ले जाएगा और हम ये जानना चाहेंगे, हमारे जो लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र जो है सितार का, शुरू कैसे हुआ? ये संगीत की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि हमारे फैमिली में किसी ने कभी गाना बजाना किया नहीं, ना कोई रुचि थी। सिर्फ माँ थोड़ी सी इसको पसंद करती थी, मगर बचपन में जब हम कुछ रोते होते थे तो जब कोई रिकॉर्ड चला देता, घर घर में हमारा ग्रामफोन रिकॉर्ड होता था, तो हम चुप कर जाते थे। तो उसमें से मेरे जो मामा जी थे वो कहते थे कि उसको गाने में शौक़ है, इनको कुछ गाना बजाना कराओ। यही शुरुआत है जब हम 2-3 साल के थे, जब हमारा होश नहीं आया। जब होश आया तब 4-4.5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे साथ में एक अंकल होते थे, वो रोज़ सुबह रिकॉर्ड चलाते थे, तो सुबह उठ कर वो गाना सुनता था रोज़। ये एक लगाव वहीं से शुरू हुई, चाहे अब्दुल करीम खान साहब के या सचिन देव बर्मन साहब के बंगाली गाने बहुत सुनते थे हम रोज़, वही मेरी शुरुआत है। बाद में जब मेरे बड़े भैया की शादी हुई, 41 की बात कर रहा हूँ, तब भाभी को एक विद्यालय में माने का जाके गाना सीखो, उस वक्त की कलकत्ते में सबसे बड़ा स्कूल माना जाता था, संगीत सम्मेलन ही था। फिर वहाँ पर जाने लगे भाभी के साथ। भाभी के साथ जब गए हम तो इतना बड़ा स्कूल था, एक एक कमरे में एक एक चीज़ होता था, गाना, डांस, गिटार, सितार। तो जब हम भाभी के साथ जाते थे तो घूमते घूमते हम सितार के क्लास में आवाज़ आई तो हम चले गए। जो गुरुजी थे वहाँ पर चेते, बोले क्या तुम बजाओगे? हमने कहाँ बजाएंगे, 4.5 साल था मेरा। तो मैं घर आके रोया, तो बहुत पिटाई हुई हमारी। उस ज़माने में गाना बजाना करना बहुत खराब माना जाता था, करियर नहीं बनाना। वो वहीं से शुरू हुई। फिर हम अगले हफ्ते गए, फिर रोया, रोते रोते हमने, एक ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी ने कहा, माँ ने कहा पिताजी को, दे दो ने सितार खरीद के, भूल जाएगा बच्चा है। तो 25 रुपये में खरीद के लाए सितार, हमें याद है। और सितार मेरे से लंबी थी, एक तकिया के ऊपर बैठते थे। जब सितार लेके क्लास में गया तो सब स्टूडेंट जो थे, सारे लड़कियां थी, सब हैरान हो गए कि कैसे सितार ले आए, कहाँ, और वो ऐसे सब हंसने लगे। मैं वही शुरुआत, फिर आई नेवर लुक बैक। वहाँ से पांचू गोपाल दत्ता जी मेरे पहले गुरु थे, बाद में मेरे गुरु जी उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब थे, जो उन्होंने मुझे, तो 5 साल जब मैंने पांचू गोपाल दत्ता साहब से सीखा तो मैं जितने कलकत्ते में कॉम्पिटिशन होता था उस ज़माने में, सब में फर्स्ट आता था। तो जब खान साहब के पास हम गए, 47 की बात की, इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, तब उनको पहले वो राजी नहीं हुए सिखाने के लिए। मैं खुद ढूंढ के खान साहब के पास गया, बड़ी मुश्किल से ऑल इंडिया रेडियो में चिट्ठी लिखा, और मैं उस ज़माने में मैट्रिक होता था, मैट्रिक मतलब हायर सेकेंडरी जो कहते हैं आप लोग, तो हम पास किया। फिर हमने चिट्ठी लिखा स्टेशन डायरेक्टर को, उन्होंने मेरी चिट्ठी को हमारे उस्ताद के पास भेजा, उस्ताद ने जवाब दिया। हम गए, हाफ पैंट पहन के बच्चा थे, तो ढूंढते 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 हमारे घर से
मतलब 40 किलोमीटर दूर था। जैसे आप मान लीजिए हम साउथ दिल्ली में बैठे हैं, आप जब यहाँ चले जाएँ, आप रोहिणी में चले जाएँ, ऐसे गया। वेलकम पहला नहीं अच्छा हुआ कि उस ज़माने में निखिल बनर्जी खान साहब को छोड़ के चले गए थे, तो उनको बहुत दुख हुआ था। तो मैं जब फेस किया तो उन्होंने कहा, उनके वहाँ हमारे गुरु माँ को बोला, देखो एक और बंगाली आए, ब्राह्मण बंगाली, वो भी ब्राह्मण थे, ये मेरी शुरुआत है। मगर उन्होंने मेरे उस्ताद ने बहुत परीक्षा ली, एक चीज़ देखे एक महीना बोले करो फिर आओ करके दिखाओ, हम करके जाते थे। तो इतनी परीक्षा ली, जो ऐसा आया था छोड़ने का नाव बताई, हमने छोड़ा नहीं। हमने कहा आप हमको देखिएगा, आपको और शागिर्द जैसे मैं नहीं हूँ। आज भी उनके लिए मैं एक सेंटर बनाया मैंने जसोला में, उनके नाम से उस्ताद मुश्ताक अली का सेंटर फॉर कल्चर। 4 मंजिल बिल्डिंग बनाई, बड़ी मेहनत की, पैसे इकट्ठा किया, वो करते 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 आज हमारे उस्ताद के नाम को हमने रोशन की, प्रतिष्ठा दी, जो उनको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी मिला नहीं उनको ज़िंदगी में। उनको सब कहते थे वो कलाकारों के कलाकार थे, आम जनता के लिए नहीं थे वो, क्योंकि उनको समझे नहीं लोगों ने। और मेरा प्रतिज्ञा क्या है, आम लोगों को मैं समझाओ वो क्या थे। ये मेरी कहानी शुरुआत, पर हमने छोड़ा नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने माँ बाप को छोड़ के हम दिल्ली आ गए रोते रोते 1960 में, एज ए टीचर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में। तब से मैं लगा था दिल्ली यूनिवर्सिटी, 40 साल हो गए, डीन बने बहुत बार। तो हम करते करते अब हमने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे हम। ये मेरा ज़िद था कि मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। हमें बहुत कोशिश किया गया, जो यहाँ पर सुनने वाले होते हैं, लोकल लोग होते हैं, ये बाहर से आ गया कलकत्ते का लड़का क्या करेगा, मगर हमने छोड़ा नहीं। हाँ, और करते करते अपने को बनाया, अपने उस्ताद को नाम बढ़ाया, नाम रोशन किया है, और आप आगे चल रहे हैं। आप थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई, आप देखिए कितने दिन हम जिए, मगर हमारा कर्म ये कहता है हम करते जाएँ उस्ताद के लिए, उनके प्रचार करते जाए उनके संगीत की, सेन या परंपरा की। हमारे एकमात्र घराना जो हिंदुस्तान में है जो 17 पर्दे में सितार बजाते हैं, सितार में जो देखेंगे 19-20 पर्दे होते हैं, पर्दे जो होते हैं ना ले, वह हमारा 17 पर्दे का। और जो मसीद सेन जो ओरिजिनेटर ऑफ मस्जिद खानी बाज, उनसे हम फॉलो करते करते हमारे उस्ताद, मैं करता हूँ, मेरा शागिर्द जितने सब 17 पर्दे बजाते हैं। आप कहीं सितार देखेंगे 17 पर्दे वाला, आप जानिए हमारे घराने के। पंडित जी, याद आता है कुछ आपका पहला परफॉर्मेंस कहाँ था, कैसा था, कितना बड़ा मंच था, कैसे वो संयोग क्या था कि आप स्टेज पर पहुँचे और वहाँ से शुरू हुआ आपका ये सफ़र जो अब यहाँ तक पहुँच चुका है, जहाँ लोग अब सितार और आप एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। पहला जो ज़िंदगी में आपको बताऊँ, कलकत्ते में बहुत मशहूर एक कॉन्फ्रेंस होता था उस ज़माने में, 47-48 की बात करो, तानसेन संगीत सम्मेलन, उन्हें पहले बजाया मैंने। क्यों बजाया, वहाँ पर म्यूज़िक कंपटीशन फर्स्ट आया था मैं, तो मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस जो। और उसके बाद हम रेडियो में ऑडिशन देके पास हो गए और बजाने लगे हम रेडियो में। हम देखिए 64 साल हो गए बजा रहे हम, ऐसे बहुत कम कलाकार मिलेंगे आपको। हमारे तो ज़िंदगी एक कहानी है, हम बोल अपने बारे में ज़्यादा बोलना इसलिए नहीं चाहते हैं, बोल सकते हैं। देखिए 40 साल यूनिवर्सिटी पढ़ाया, 7 किताबें लिखी हैं, 50 बार विदेश गए, और राग हमने 8 बनाया, और क्या क्या बताऊँ आपको। तो इसमें हमारे यूनिवर्सिटी पढ़ाने के में देखिए हमारे अंडर में 40 PhD स्कॉलर हैं, PhD को डॉक्टरेट मिला है। अब सोचिए एक ज़िंदगी के कितना काम हमने 40 साल जो यूनिवर्सिटी में लगाया, हमारे डिपार्टमेंट को बनाया हमने। तो इस तरह से आप देखिए कि हमारे जो बारे में कहा जाता है कि हमारे सितार इतना मधुर है, लोग बहुत पसंद करते हैं हमारे सितार। एक चीज़ जो मैंने मेरी सबसे ऊपर मैं आगे दूंगा, हमने जो हमने बजाने का स्टाइल है
हमने कायम किया, लोग सुनकर बता देंगे ये मैं बजा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है ज़िंदगी में, मतलब हम सितार बजाते हैं, अब किसी को बता नहीं पाए कौन बजा रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के जिनको स्टाइल एकदम सुनने से लगता है। तो मेरा एक अपना स्टाइल है, लोग सुनकर बताते हैं मैं बजा रहा हूँ। अभी हाल ही में एक हमारा प्रोग्राम हुआ था हैबिटेट में, हमारे शरण रानी जी गुजर गए उनकी याद में मैंने बजाया था। तो एक मुझे फ़ोन करके कहा, हम सूर के गंगा में नहा के आए आपके सितार, सितार को उन्होंने इतना हमें दर्जा दी एक अच्छे कलाकार। मतलब हमारे कहने का मतलब, हमने हमेशा हमारे गुरु जी के एक दोहा है, स्वर है ईश्वर, लय है ज्ञान, तन ही पथ है, रूप है ध्यान। तो ईश्वर प्राप्ति करना हो स्वर के साधना करो, और सच्चा स्वर भगवान होता है। आप कहीं पर देखेंगे सच्चा स्वर कहीं लगेगा, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जो हमारा बजाते हुए करीब 70 साल तो हो ही गया, मगर मैं अभी लगता है मुझे अभी तक मुझे सीखना है। काश मेरे गुरु जिंदा होते मैं और सीख पाता, क्योंकि मैं कहता हूँ ये जो समुंदर है, जब तक समुंदर के किनारे में होते हैं तक बहुत उछल कूद होता है पानी का, होते ना लहरें होते हैं, अब जितने गहरे में जाएंगे शांत। तो संगीत में जब तक आप किनारे में रहेंगे तो आप उछल कूद करेंगे, जब आपको गहरे में चले जाएं गहराई में शांत। तो ये एक उपलब्धि है हमारे ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ, मैं जब सितार लेके बैठता हूँ हम कहते ईश्वर मुझे वो शक्ति दो ताकि हम कहीं फिसल ना जाए, अभी भी हम सोचते हैं। और ये बात इतनी सच्ची है, कोई विनय नहीं है, दिखावा नहीं है। हमने 7 किताबें लिखी हैं, क्या क्या बताया अपने बारे में, हमारे 2-3 जो स्टूडियो है रेडियो के तो टॉप क्लास के हैं, टॉप क्लास से बहुत बड़ा माना जाता था हमें। अब रेडियो में हालांकि चिट्ठी नहीं आए, एक इससे भी ऊपर एक क्लास बना नेशनल आर्टिस्ट करके, वो ग्रेड हमें दिया है। अब कब तक हम जिएंगे इसको, अब कब तक होगा आई डोंट नो, मगर ये है कि हमें इतना खुशी है कि हमें मान्यता मिली है, पद्म भूषण मिला, ये वो जो अकेडमी अवार्ड दिल्ली और जितने अवार्ड अमेरिका में अवार्ड मिला। पंडित जी आपने कई नई रागों की रचना की, समझाएं हमें कि कितना मुश्किल होता है, कैसे कैसे रची जाती है आखिर एक नई राग। ये कोई परीक्षा नहीं होता या कोई प्लानिंग नहीं होता, एक कल्पना आपके मन में जब आ जाती है देन यू डेवलप। हमें कभी ये नहीं सोचा आज राग बनाएंगे, नहीं। एक मैं मिसाल देता हूँ, कुछ रागों के पीछे कहानी एक है। जैसे हमने पहली राग हमने जो बनाया था विश्वेश्वरी, मेरे पिताजी विश्वेश्वर चौधरी नाम था, उनके नाम से मैंने बनाया था, मगर वो एक मेल था। मेल मतलब राग का होता ना, ये जैसे आरोह अवरोह होता है तो मेल होता है, उसको ठाट कहते हैं। तो हमारे एक कर्नाटिक मेल में एक राग है चारुकेशी। अच्छा, नॉर्थ में हमने देखा किसी के पास कोई ऐसा सनद नहीं है, ऐसे डिमार्केशन जो यही चारुकेशी होगा, कोई इधर से करता कोई इधर से करता कोई इधर से करता। आपको चारुकेशी में 4 राग सुना दूँ, 4 लोगों से 4 शक्ल हैं। राग जब होंगे तो शक्ल एक ही होनी चाहिए, तो इसमें शक्ल की राग बहुत। हमारे रागों में क्या होता है, एक स्वर लगाइए, हमारे गुरु जी बोलते थे राग सामने आ जाए। हमारे घराने में खास बात है, एक स्वर लगा के राग को चेहरा दिखा देते हम। तो चारुकेशी को जब ऐसे होने लगा तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको शक्ल दें, उसको शक्ल दी हमने, आरोही अभरी बनाई और लोगों ने बहुत तारीफ़ करी। और हमें याद है 1970 की बात है, उस्ताद आमिर खान साहब हमारे घर आए थे, हमने उनको सुनाया था, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करी, बोले देख
तूने सोचा, अच्छा किया। हम लोग सोचते हैं, तुम लोग हमको सुनते हो, सोचते हो, इस तरह से गाना बजना आगे चलता है। नहीं तो कहिए, म्यूजिक कैन नॉट बी स्टैटिक, इज ए फ्लो, फाउंटेन है ना, झरना का फ्लो होता है। द मोमेंट पानी एक जगह जम जाता है, वो गंदगी सब फॉसिल हो जाते हैं। इसलिए म्यूजिक में चलते रहना चाहिए। तो राग जो बनाया, जो आपकी सवाल की बात करूँ, एक 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 पीछे एक कारण है। ये राग मेरे मन में आया जब मेरी वाइफ मंजूश्री चौधरी की डेथ हो गई। तो मन में का बजाते बजाते एक राग, एक स्वर आया। स्वर करते करते मुझे लगे ये अच्छा जमेगा, बन गया। उनको हमने जो प्रभाती मंजरी नाम दिया। उनका नाम मंजू था, तो मिसेज मुदादकर थी जब जिंदा थी, पहले इसको आप मंजिर मंजरी कहिए, तो प्रभाती मंजरी। तो ये सब ऊपर से कुछ आते हैं, ऐसे कोई बनी बनाई कुछ नहीं होता है, भगवान की देन है ये। हमने कुछ नहीं करा, हमारे मन में कुछ आया। ब्रेन, मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग ऐसे करते ना, या आपको अच्छा बजा तारीफ करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, गलत है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ कौन चला रहे हैं? आप चला रहे हो, ब्रेन चला रहे हैं। ब्रेन कौन चला रहे हैं? भगवान। तो हम जो करते हैं वो सब उन्हीं का देन है, हम कुछ नहीं है। हम लोग आपको सुन रहे थे पंडित जी, अभी कुछ महीनों पहले उस्ताद आशिक अली खान साहब की याद में जो एक कार्यक्रम था कामानी में, उसमें, और जब आपने द्रुत उसमें अपना टेम्पो बढ़ाना शुरू किया सितार पर, तो मुझे ऐसा लगा, या हम लोगों को ऐसा लगा कहा जाए, जो और भी लोग वहाँ ऑडियंस में थे, कि तबले वाले आपसे पीछे छूट रहे थे। तो इस उम्र में भी ये जो आपके अंदर जोश है, जो पैशन है, ये कहाँ से आता है? कौन सी चीज़ है जो अभी भी पंडित देबू चौधरी को मोटिवेट करती है? सच पूछिए, इस उम्र में हम जीने से उठने में मुझे 5 मिनट लगा। अब मैं आया ना, एक एक करके जीना चढ़ा। तो अंदर जाके मुँह हाथ धोया, थक गया मैं। अब एक कलाकार गुजर गया, उनको देखने गए, एक कोई बीमार था। अभी आज हमारे उस्ताद के लिए एक विश्व भारती स्कूल है नोएडा में, वहाँ पर एक ट्रॉफी दिया, म्यूजिक कॉम्पिटिशन में उसको प्राइज़ भी दिया। इतने काम करते हैं हम, अभी भी आप लोग जाएंगे, हम काम अब लग जाएंगे। तो हमारा ये जो मैं समझता हूँ कि सच्चा संगीत करिए आप, कोई हमको बताएगा हमारा इतना उम्र है? कोई नहीं बताएगा। अभी भी जहाँ गए थे तो कहते नहीं, हो नहीं सकता। अब एक साल के बाद कितने साल हो जाएंगे? 80 साल हो जाएंगे, आप मुझे देख के बताइए। और जितने बाल सफ़ेद हुए हमारे जो पत्नी जी मंजूशी के वियोग में, डेथ के बाद ही हुआ, पहले सब बाल काले थे। म्यूजिक आपको, इट इंस्पायर्स यू, इट गिव्स अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। वो लाइफ जो मिलता है आपको म्यूजिक से। और इस तरह से हम अभी भी पटना में बजाने गए थे, वहाँ पर ऐसा ही हुआ, लोगों ने कहा आप तो हमारे साथ, प्रतीक चौधरी मेरा बेटा, वो बजाते हैं कभी कभी, तो वहाँ पर वो तो हमसे ज़्यादा भागता है, बजाता है। मैं भी तैयारी में कर रहा था, तो कह रहे थे आप कह रहे थे ऐसे तैयारी कैसे बजा रहे थे? और जब जोश होता ना, जोश में तो होश खो बैठते हैं, तो करते हैं। पंडित जी, मैंने पढ़ा है आपका एक अनोखा रिकॉर्ड है 24 घंटे में 24 सीडी रिकॉर्ड करने का। अब क्या है वो कहानी, कैसे बना वो रिकॉर्ड, ज़रा बताएं उसके बारे में। वो जब हम अमेरिका गए तो वहाँ पर महर्षि महेश योगी का मैंने बहुत कुछ काम किया, तो उन्होंने कहा ये संगीत को अगर 24 घंटा वातावरण में चलते रहे तो अशांति बंद हो जाएगी सारी दुनिया में। हुआ भी है, इसका प्रमाण भी है। आप यही 24 घंटे का 24 राग होता है, राग तो बहुत होता है, मतलब एक एक घंटे के लिए हम राग चुन के 24 राग 24 सीडी बनाया। और महर्षि जी का वहाँ पर क्या होता था, वो सीडी में चला देते थे, सीडी चलते एक के बाद चलते रहे। तो आपको घर में अगर 24 घंटे राग चलते रहे, जोर से नहीं, धीरे से, बैकग्राउंड जिसको डिस्टर्ब ना करे, म्यूजिक है भी नहीं भी है ऐसा, आप देखेंगे आपको काम करने में लगन बढ़ जाएगा, पढ़ाई में लगन बढ़ जाएगा, ब्रेन शार्प हो जाता है। आप जैसे संगीत सुनते हैं आपको फ्रेश लगता है ना, वही घर में बैठकर 24 घंटे आप सुनिए, आपको फ्रेश लगेगा। प्रतीक
सितार बजाते हैं, आपकी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, कितना कितना सुकून देता है ये, कितनी 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 सेटिस्फाइंग है ये बात कि आपकी परंपरा आपके बेटे के द्वारा या उनके जरिए आगे बढ़ रही है? ये तो बहुत अच्छा लगता है ना। प्रतीक जात जितने हमारे शागिर्द हैं, ये जो दो गए कलकत्ते से आए सीखने के लिए आए, अभी एक लड़की गई पंचाली, सब सीखती है, रेडियो बजाते हैं इस बढ़ा रहे, और 17 पर्दे में आप देखिएगा, बात गौर कीजिएगा, 17 पर्दे में सितार हिंदुस्तान में कोई नहीं बजाता है। आप कहेंगे आप वो 17 में क्यों है, 19 करते। हमने पकड़ के रखा कि हमें घर आने की जो प्रतिष्ठा जिस पर है, हमारे नाम सेनिया कहते, सेनिया में मस्जिद सेन वॉज ओरिजिनेटर ऑफ मस्जिद खनीबाज, और वो 17 पर्दे बजाते हैं। हम क्यों, हमारे उस्ताद 17 पर्दे बजाए, अगर मैं उनको शागिर्द हूँ और उनको गुरु मानता हूँ तो हमें फॉलो करना चाहिए। इसलिए प्रतीक बेटा है, ऐसा नहीं कुछ लोगों में कहा फलाने बेटे को सिखाता और किसी को नहीं सिखाते। हमारा प्रतीक छोड़ के, प्रतीक तो टॉप क्लास में है, और दो कलाकार हैं जो शागिर्द हैं जो टॉप क्लास में है। रेडियो में टॉप क्लास होना बहुत बड़ी बात है, तो कैसे, हमने सीखा है तभी तो टॉप क्लास आए। पंडित जी, आपने हमसे बातचीत की, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। म्यूज़िकल हेरिटेज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए हम दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही हमें, तमाम अपने चाहने वालों को, सितार के सुनने वालों को, शौकीनों को, ऐसे ही अच्छी अच्छी रागें बनाते रहें, सुनाते रहें, और आप स्वस्थ रहें, उसके लिए भी हम आपकी कामना करते हैं। तो ये थे पंडित देबू चौधरी, जो हमें, जिन्होंने अपने लंबे सफ़र के बारे में बताया, अपने लंबे सफ़र के मील के पत्थरों के बारे में बताया। म्यूज़िकल हेरिटेज एक ऐसी कोशिश है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के बड़े कलाकारों को आप तक पहुंचाएगा, जिससे आप जान सकें अपने देश में जो शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है, जो उसकी जड़ें हैं, जो उसकी खुशबू है, जो उसकी पहचान है, वो बिल्कुल सही तरह से आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।